डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग साइंस में फिजिक्स के एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें हम लोग मानव नेत्र में होने वाले दोष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जिसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसे बोलते हैं। आज हम लोग एक लास्ट टॉपिक्स दृष्टि दोष में हम लोग कर रहे हैं कि उसका नाम है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उसका नाम क्या है? जरा दृष्टि दोष। अब आखिर ये जरा दृष्टि दोष क्या है और ये कैसे होता है, इसका कारण क्या है और ये ठीक कैसे हो पाएगा, इसके बारे में हम लोग डीपली नॉलेज सीखेंगे। जैसा कि निकट दृष्टि दोष में सीखे, दीर्घ दृष्टि दोष में पढ़ें, वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में फर्स्ट एरो देखकर लिखा जाए वायु आयु वृद्धि, आयु वृद्धि होने के साथ साथ, आयु वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता, आयु आयु माने उम्र, आयु वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, घट जाती है। चलिए अभी हम लोग क्या लिखें, याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष में कि जैसे जैसे मानव का उम्र बढ़ते जाता है उसकी आँख का जो समंजन क्षमता है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटने लगता है। वजह उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी कि हर किसी को देखते होंगे कि अगर जो वृद्धावस्था आ जाती है उनकी प्रॉब्लम होने लगती है आँख का। आँख का प्रॉब्लम जेन्युइन है, सभी लोगों के होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन आयु जैसे जैसे हम लोगों की बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, यानी आँख का समंजन क्षमता घटने लगती है आयु में वृद्धि के साथ। फिर नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष माने कौन सा दोष, जरा दृष्टि है ना, जरा दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तथा दूर रखी वस्तु दोनों को ही अस्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, अब आखिर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है उसका पहचान क्या है, देख लो। अगर हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष और अगर हम लोग बात करते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का तो साफ साफ दिखता है लेकिन निकट का साफ साफ नहीं दिखता। ऐसा नहीं बोलेंगे निकट का दिखता ही नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि वो अंधा आदमी है। हम बोलेंगे कि निकट का हमको दिखता ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको निकट के लिए हम अंधा हैं, है ना। तो कभी नहीं, साफ साफ जरूर लगाइएगा, अस्पष्ट जरूर लगाइएगा इसमें जब भी डेफिनेशन लिखेंगे तो। क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष,
में हम लोग यही जानते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को दोनों ही प्रॉब्लम है। दूर का भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, निकट का भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तब हम इसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। यानी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें क्या होता है कि दोनों ही प्रॉब्लम हो जाता है, निकट भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है और दूर भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है। यानी कि निकट की वस्तु को भी स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है और दूर की रखी वस्तु भी स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें एक ही व्यक्ति को दोनों दोष होता है, निकट दृष्टि दोष भी हो और दूर दृष्टि दोष भी हो, तो दोनों दोष को मिलाकर हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। याद रहेगा? जी बिल्कुल। तो इसमें होता क्या है कि निकट में भी प्रॉब्लम, दूर में भी प्रॉब्लम, दोनों में प्रॉब्लम हो जरा दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। मानो नेत्र में पाए जाने वाले, मानो नेत्र में पाए जाने वाले अभिनेत्र लेंस में, अभिनेत्र लेंस में लचीलेपन, लचीलेपन अभिनेत्र लेंस में लचीलेपन, अभिनेत्र लेंस में लचीलेपन में कमी के कारण जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा, अब जरा दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, आखिर जरा दृष्टि दोष होता कैसा है? तो एक्चुअली हम जानते हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है। जी हाँ, आपको पता होगा उत्तल लेंस लगा रहता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, उसी अभिनेत्र लेंस में लचीलेपन के कारण होता है, यानी लचीलेपन में कमी के कारण, लचीलेपन बढ़िया से नहीं हो सकता। जैसे अगर एक छोटा बच्चा है उसका आँख जो है बिल्कुल करेक्ट होता है, सही होता है, क्योंकि उसका आँख किसी भी चीज़ को, वस्तु को देखने के लिए फटाफट उसकी अपनी क्षमता होती है उसकी, तो फटाफट अपने फोकस को अपने आप सेटलमेंट करते रहता है। लेकिन ये लचीलेपन में कमी हो जाती है, ये अगर मान लिया कि दूर की वस्तु को देखना है तो लेंस जो है काम करना बंद कर देता है, जल्दी जल्दी काम ही नहीं करता है, और निकट की देखना है तो जैसे ही वृद्धावस्था में ये जरूर आती है, यानी कि ये बूढ़े लोगों में जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो बूढ़े लोगों में होने वाला ये रोग है जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिनमें हम लोगों को निकट में भी वो लोगों को प्रॉब्लम रहता है, दूर में भी प्रॉब्लम रहता है, मतलब हमेशा धुंधला दिखाई देता है वो लोग को। ठीक है, फ्रेश नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो लेंस है वो लचीलेपन नहीं कर पाता है। लेंस का मतलब एक्टिव, एक देखते हैं छोटा बच्चा कहीं भी जाना रहता है तो दौड़ते दौड़ते चला जाता है, और एक आयु में वृद्धि होता है तो आप उन चीज़ों, उन जगहों को जाने के लिए थोड़ा सा अपने हिसाब से जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि लचीलेपन में कमी हो जाता है लेंस में, यानी कि मानव नेत्र में जो लेंस रहता है उत्तल लेंस, उसमें लचीलेपन में कमी हो जाता है, इसके कारण से जरा दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एरो दीजिए। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को द्विफोकसी लेंस का व्यवहार करना चाहिए, द्वि फोकसी लेंस का व्यवहार करना चाहिए। देख लो, अब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हुआ है तो उसको वो कैसे ठीक होगा? तो ठीक तभी होगा जब उसको चश्मा लगाना पड़ेगा, और इस चश्मा का नाम है द्वि फोकसी। क्या नाम है इसका? द्विफोकसी। अक्सर बूढ़े लोगों में देखे होंगे, बूढ़े लोगों का चश्मा देखे हैं, ये दू गो हो गया आँख वाला, ठीक है, और यहाँ इसे नाक वाला लगा वाला रहता है, और ई वाला हो गया कान में लगाने वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उनका जो चश्मा आप देखिएगा तो यहाँ बीच में ऐसे रहता है, देखते होंगे आप,
दो अलग अलग भाग में रहता है, यानी एक ही चश्मा रहेगा लेकिन दो गो अलग अलग भाग रहेगा, ऊपर अलग नीचे अलग। तो ऐसा क्यों होता है वो अभी हम बात करने वाला है। इसीलिए बोला जाता है द्विफोकस, द्वि मने दू गो, ठीक है। इसीलिए इसको द्विफोकसी लेंस कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष कैसे ठीक होता है, तो द्विफोकसी लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। अब ये द्विफोकसी लेंस में क्या क्या होता है, तो द्विफोकसी लेंस के बारे में जानना चाहिए कि इसमें अवतल लेंस भी होता है, याद रखिए, और उत्तल लेंस भी होता है। क्यों ना, क्योंकि आप समझिए, जरा दृष्टि दोष किसको कहेंगे, जिसमें निकट दृष्टि दोष भी हो और दूर दृष्टि दोष भी हो। तो उन दोनों को मिलाकर अगर दोनों हो जाए तो जरा दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष कैसे ठीक होगा, तो अवतल लेंस लगाने से। हम बताए ना है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार है कि अवतल लेंस लगाइए, और दूर दृष्टि दोष के लिए आप उत्तल लगाइए। और जकरा दोनों हो गया, जिसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, तो हमको ऐसा चश्मा चाहिए जकरा में अवतल भी हो और उत्तल भी हो, तो दोनों को मिलाकर एक चश्मा बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है। जो ऊपरे वाला भाग है वो अवतल रहता है, ध्यान रखिएगा, और नीचे वाला भाग होता है जो उत्तल रहता है। और अवतल का काम क्या है, अवतल का काम है कि दूर में अगर प्रॉब्लम है तो दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देना, और उत्तल का काम है कि निकट में ना प्रॉब्लम, देखिए उत्तल वाला का काम क्या है कि निकट में अगर प्रॉब्लम रहे उसको ठीक करता है। तो एक्चुअली अगर हम लोग निकट की देखने के लिए आँख को नीचे रखना पड़ता है, इसीलिए उस चश्मा में नीचे जो है उत्तल लेंस लगाया रहता है और ऊपर अवतल लेंस। तो याद रखिए कि जरा दृष्टि दोष में हमको दोनों दोष होना है, होता है निकट भी और दूर भी, इसलिए दोनों चश्मा का यूज करके एक चश्मा बनाया रहता है, उसमें अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। ध्यान रखिएगा कि द्विफोकसी लेंस का मतलब वही हुआ, द्विफोकसी माने दो लेंस, कौन कौन सा, अवतल और उत्तल। याद रखिएगा कि अगर जो बूढ़े लोगों का चश्मा होता है ऊपर में अलग लेंस होता है और नीचे में अलग लेंस, तो ऊपर में याद रखिएगा अवतल होता है, नीचे में उत्तल होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजों को हम अभी नोट करने वाले हैं। लिखिएगा नेक्स्ट एरो, सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस में, सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं, अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। चलिए तो याद रखिएगा, अवतल और उत्तल दोनों लेंस को मिलाकर एक बनाया जाता है, जिसको हम लोग द्विफोकसी लेंस कहते हैं। अच्छा, अब ये भी पूछेगा कि अगर मान लिया कि जरा दृष्टि दोष वाला जो द्विफोकसी लेंस है, तो द्विफोकसी लेंस में ऊपर जो है कौन सा लेंस लगाया रहता है, तो ऊपर में होता है अवतल। घर में अगर आपके दादी बाबा लोग होंगे तो उनका चश्मा देखिएगा, अक्सर दो गो भाग में बटा रहता है, अवतल अल ऊपर होता है और नीचे उत्तल होता है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो जरा दृष्टि दोष का जो चश्मा है, तो चश्मे के ऊपर भाग में क्या होता है, तो याद रखिएगा अवतल, और चश्मा के निचली भाग में क्या होता है, उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा, द्विफोकसी लेंस में, लेंस के, ऐसे लिखिएगा, द्विफोकसी लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है तथा तथा निचली भाग में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऊपर में क्या होता है, अवतल लेंस, नीचे में क्या होता है, उत्तल लेंस। अब अवतल का काम क्या है, अवतल का काम है कि दूर को फ्रेश देखना। देख लो, आखिर हम लोग अवतल कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ दूर में प्रॉब्लम हो, निकट को तो साफ साफ दिखे, तो ऊपर जो है ऊपर वाला अवतल लगाया जाता जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लिया जाए कि आपके दादी लोग बाबा लोग दूर की वस्तु देखेंगे तो आँख को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना, तो आँख को ऊपर करेंगे तो
दूर की वस्तु फ्रेश नजर आएगी अवतल वाले से, और उतल का काम है कि निकट की वस्तु फ्रेश दिखेगा, साफ साफ दिखने लगेगा, इसीलिए नीचे जो है उतल लगाया रहता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट एरो फिर से कि द्विफोकसी लेंस में मौजूद, द्विफोकसी लेंस में मौजूद अवतल लेंस दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने तथा उत्तल लेंस निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रयुक्त है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रयुक्त है या प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि जरा दृष्टि दोष कुछ और नहीं है, निकट और दूर को दोनों को मिला दिया जाए जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो दोस्तों दृष्टि दोष के बारे में हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब आगे की कुछ प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी के बीच में रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम अगले दिन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।